मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो अधिकारी जो छोटे स्तर के यहाँ पर जिनको सस्पेंड किया गया है, मैं चाहता हूँ हमारे क्षेत्र से आते हमारे यहाँ के मिनिस्टर जितना अंधाधुंध कटान इस समय हुआ है, अभी ये मात्र 200 पेड़ों की बात की जा रही है, हजारों की संख्या में पेड़ यहाँ पर काटे गए। पहली बार इतिहास में हुआ है कि उन पेड़ों को इन्होंने जड़ों के समेत ही उखाड़ लिया। उनकी गिनती कहाँ से अधिकारी लेंगे? जो ठूंठे वहाँ पर हैं उनकी तो गिनती हो जाएगी, जो जेसीबी के द्वारा नीचे से जड़ों के साथ काट के उसको जो उखाड़ कर ले गए, किसकी मिली भक्त के कारण अगर पहली बार हिमाचल में ऐसा हुआ है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो पेड़ कटता है, जिसका कटान होता है, विभाग जिसकी परमिशन देता है, कटाई के बाद उसके बीच में से 3-4 शाखा निकलती हैं, वो पेड़ बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और पर्यावरण भी ठीक रहता है। जो जड़ों के समेत पेड़ काटे गए हैं उसकी शाखा कहाँ से निकलेगी, नए पेड़ कहाँ से लगेंगे? लगभग नूरपुर क्षेत्र के अंदर ही 10 से लेकर 15 हज़ार पेड़ यहाँ पर जो अवैध काटे गए हैं। मैं अधिकारियों को कहूँगा कि जांच ऊपर के लेवल तक होनी चाहिए। जो गरीब व्यक्ति सस्पेंड किया गया है, किसके इशारे पर इतना अवैध कटान हुआ, किन लोगों ने एक एक परमिट एक एक फाइल पास करने के लिए 50 हज़ार रुपये की फिरौती ली। पहली बार नूरपुर में ऐसा हुआ है, क्यों इसके पहले क्यों नहीं दिखने में आया? आज आए दिन अलग अलग पेपर में, अखबारों में, सोशल मीडिया में खबरें आ रही हैं कि इतने पेड़ इतने ट्रक वहाँ पकड़े गए, जिसका मुखिया ही ऐसा है, जिन्होंने लोगों से पैसे अठियाए हैं, वो अधिकारी हमारा नूरपुर का। मैं प्रदेश सरकार को कहना चाहूँगा, माननीय जयराम ठाकुर जी को कहना चाहूँगा कि अगर एक छोटा सा कार्यकर्ता अगर मीटिंग में नहीं पहुंचता तो उसको उस पद से हटा दिया जाता है। तो मैं चाहता हूं इस महकमे में रहते रहते कितना अवैध कटान हुआ, धरने प्रदर्शन तक हुए, बंबर ठाकुर ने भी धरना दिया। मैं चाहता हूं मंत्री जी का इस्तीफा लेना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए कि इसके इशारे पर इतना पैसा हर फाइल को पास करने में लिया गया। सरकार से मैं अपील करता हूँ, एक कमेटी गठित करिए, अपने सूत्र भेजिए, जितने भी सराउंडिंग हमारे यहाँ पर ठेकेदार हैं उनकी एक लिस्ट निकालिए और अलग अलग एक एक व्यक्ति को पूछिए किसके कहने पर कितनी कितनी फिरौती आपने दी है। सच्चाई आपके सामने नज़र आ जाएगी। मैं चाहता हूँ पर्यावरण का इतना बुरा हाल है, आप देखिए इतना अवैध का कटान जो हुआ है, इस बार गर्मी देखना कितनी पड़ती है, जंगलों में आग कितनी लगती है। तो जो गरीब व्यक्ति हैं, जो छोटे अधिकारी हैं, उनके ऊपर मात्र गाज फेंककर, जो अपने ऊपर खून का छींटा लगा है उसको हटाने के लिए छोटे कर्मचारियों को सस्पेंड किया जा रहा है, ऊपर तक इसकी जांच होनी चाहिए। जो हमारे फॉरेस्ट रेंज के अधिकारी हैं, यहाँ पर DFO साहिब हैं, कैसे इतना इतना पेड़ काटा गया? आपके दीवे के नीचे अंधेरा, यहाँ साहब का ऑफिस है उसके सामने एक जंगल ऐसा प्लेन किया गया, उसके नीचे देखना कितने पेड़ काट कर या जड़ों के समेत उखाड़ कर नीचे मिट्टी के दबाए गए हैं। अगर सामने ही ऐसा हो रहा है मात्र 300 मीटर के सामने, तो जंगलों में जाकर किसने देखा? तो मैं चाहता हूँ गरीब व्यक्ति के ऊपर गाज नहीं गिरनी चाहिए, इसकी गहराई से सरकार जांच कराए। जो उच्चाधिकारी भी हैं, जहाँ पर हमारी मिनिस्ट्री भी इसमें शामिल है, उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, हर चीज़ की इंक्वायरी होनी चाहिए, फिर लोगों को दंड दिया जाना चाहिए। तो मेरी अपील है सरकार के आगे, पहली बार ऐसा हिमाचल में हुआ है, अच्छे तरीके से जांच होनी चाहिए, गरीब व्यक्ति इसमें ना फंसे, किसके इशारे पर इतने इतने पैसे जो लिए गए हैं और वो पैसा कहाँ तक बंटा है। तो मैं चाहता हूँ अच्छे से जांच हो और इंसाफ लोगों को मिलना चाहिए। जो बेचारा गरीब व्यक्ति है, छोटा कर्मचारी है, उसके ऊपर गाज नहीं गिरनी चाहिए। मुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।